ये देखो यहाँ सारे लोग जमा हो गए हैं भाई। है मरदूत ब्लॉग्स पहले थे, अब एक नया चैनल इन्होंने बनाया है। प्लान जो था अर्ली मॉर्निंग का था, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट राइड है तो थोड़ा सा हम लोग लेट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, फर्स्ट राइड है तो थोड़ा सा चलता है और बाकी सब कोई मिलते जुलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से राइड कंटिन्यू करेंगे। अभी ये टोटल 4 बाइक्स है, और सारी बाइक्स आ रही है, उसके बाद देखते हैं कैसा रहा। वेलकम बैक टू द चैनल आजम्स ब्लॉग। और हम लोग आ गए हैं आज, जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आज कुछ मज़ेदार होने वाला है, तो आज हम लोग राइड के लिए रेडी हैं। तो अभी तक हम लोग 4 लोग आ चुके हैं, हम हैं, उसके बाद गुलाम भाई है और 2 मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बाइक्स, देखो ये मेरी बाइक है और ये दूसरी बुलेट, और पीछे ये जिक्सर है और वो यामाहा की बाइक है। तो ये सारी बाइक्स है। अभी हम लोग और हमारे कई फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो वो सारे लोग जैसे ही आ जाते हैं, वो लोग बारसोई से आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पहुँचेंगे, फिर हम लोग राइड कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे गुलाम भाई हैं। बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई राइडिंग पार्टनर हो हमारा, जो कि हम लोग जिस तरह हम लोग दिल्ली में राइड करते थे, सेम यहाँ विलेज में भी ऐसा कुछ हो। तो भाई ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और एक छोटा सा ग्रुप बनाया। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मेम्बर्स हैं नहीं इसमें। गुलाम भाई को बहुत बहुत थैंक यू कि ऐसा कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। और हम लोग फिर वही जो वहाँ मस्ती करते थे, जो राइड के दौरान जो नेचर को फील करते थे। हालांकि आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड ऐसा कुछ नहीं है। ये चूँकि फर्स्ट टाइम है तो कोई एक पर्टिकुलर आदमी की वजह से नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड हम लोग कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा अर्ली हो। गुलाम भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये जो हमारा इनिशिएटिव है, हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं कि पूरा राइडिंग ग्रुप बना रहे हैं। और यहाँ पे आज तो काफ़ी लाइक जैसे कि अजीम भाई आए हुए हैं, शमीर भाई आए हुए हैं, जफर भाई है, हम हैं और भी राइडर्स आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये काफ़ी बहुत हद तक आगे जाने वाला है। और अभी छोटा मोटा राइड है, कोई बड़ा राइड नहीं है। सो या इट्स ऑल गुड, वी आर हैविंग वाइब, बहुत अच्छा वाइब आ रहा है, वी हैविंग फन, मज़ा आ रहा है। तो अभी जस्ट चाय पिए, पकौड़ा वगैरह खाए और चलिए। और हाँ बिल्कुल, जो अभी हमने रूट चुना है तो वो बहुत ही मज़ेदार है। लाइक जैसे कोस्टल एरिया में हम लोग जाते हैं ना, तो दोनों साइड रिवर वाला फील आता है, तो यहाँ भी वन साइड है तो आपको बहुत अच्छा अच्छा वेदर तो खैर अल्टीमेट है। जैसे कल के व्लॉग में आपने देखा था कि वेदर बहुत मस्त था, कभी भी बारिश होने लग रही थी, तो वैसा ही आज का भी वेदर है। तो पूरा बादल है, हो सकता है कि बारिश शुरू हो जाए। तो और बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो वो जैसे ही यहाँ जमा हो जाते हैं फिर हम लोग राइड कंटिन्यू। Trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. I believe this is the first riding community we have created here in Azamnagar. Today's awesome weather and the road making this ride really very beautiful. Bilkul chill vibes aa rahe hain. First time in Azamnagar. We made it, bro. We made it. You too can join this group if you are having bike more than 150 cc. Just message me on my Instagram and we will get in touch with you. We have completed almost 10 किलोमीटर of ride और ये हमारे साथ हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। तो मैंने जैसे ही बोला था कि बहुत खूबसूरत सा नज़ारा होने वाला है। ये जो कम्प्लीट पैच है, ये सड़क जो बना है पूरे बांध के ऊपर और बहुत अच्छा सा रोड है। पीछे हमारे राइडर्स, कई राइडर्स ऐसे हैं जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो यही एक पैशन है जो कि सारे राइडर्स को एक साथ जोड़ता है। और आज तो हम लोग लेट हो गए, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और जल्दी हो, सुबह हो। तो ये सारे जो बाइक्स हैं ना वो असेंबल हो गए हैं, तो थंबनेल बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमने बाइक्स को असेंबल कर लिया, हालांकि ये थोड़ा बिजी रोड है तो जल्दी से हमें बाइक्स को हटाना पड़ेगा। बाकी रेहान भाई हैं जो कि इसका पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम के लिए भी हो जाएगा। इंस्टाग्राम अगर आपने अभी तक मेरा फॉलो नहीं किया है तो यहाँ नाम आ रहा है इंस्टाग्राम का, और आप वहाँ से फाइंड आउट करो, वहाँ भी फॉलो करो यार। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आगे से ऐसे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। बाकी नेचर तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह हम लोग नेचर को कनेक्ट कर रहे हैं। और अल्टीमेट आज हमारी इस फर्स्ट ग्रुप राइड में वेदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रह रहा है। आप देख ही रहे हो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और ये लोकेशन तो वाकई बहुत मज़ेदार है। Thank you.
आपको भी मेरे तरह ये राइड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। लोकेशन, रोड्स, वेदर और द वे वी आर राइडिंग, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, फैला दो चारों तरफ अपने दोस्तों के बीच। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप क्या करना है आपको पता है, जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन और कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अभी हमारे ग्रुप को धूमनगर, धूमनगर के बाद खुरियाल स्टेशन, खुरियाल स्टेशन के बाद हमें निमोल जाना है और निमोल में ब्रेकफास्ट का प्लान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव सम अर्जेंट वर्क टू डू, तो जिसके वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो मैं यहीं खुरियाल स्टेशन के बाद, मतलब खुरियाल गांव के बाद जो सीपुर की तरफ जो रास्ता निकला है वहाँ से मैं चला जाऊँगा। तो मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे राइडर्स वो कंटिन्यू करेंगे। आई एम सॉरी गाइस कि मैं आप लोगों का साथ नहीं दे पा रहा हूँ निमोल तक के लिए। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड वी विल प्लान अकॉर्डिंगली और हम लोग ट्राई करेंगे, चूँकि इस बार अर्जेंट वर्क आ गया जिसकी वजह से मैं आप लोग का साथ नहीं दे पा रहा हूँ। और मेरे सारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो पता ही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलो। ऐसे वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।